नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। ये देखिए, बहुत सारे अंडे जो है हमारे बजीज के बहुत सारे ख़राब हो गए हैं और कुछ बच्चे निकले। एक बच्चे ये देखिए ये, और इधर भी ख़राब है, इधर भी ये गिरे हैं, ये गिरे हैं, बहुत सारे अंडे ख़राब हो गए, मतलब गिरा दिया। और कुछ बच्चे देखिए निकल भी गए हैं, और इधर भी कुछ नज़र आ रहा है। और ये क्या है, एक बच्चा नज़र आ गया मेरे को, इसको निकालता हूँ। तो देखिए, छोटा सा बच्चा बेबी नीचे पड़ा हुआ है, शायद ये यहीं पर ही हैच हुआ होगा। बहुत छोटा है ये, देखिए जिंदा है, जिंदा है। और इसे किसी सेपरेट में रखना है, किसी मटकी में रखूँगा या हैंड फीडिंग के लेने के लिए मेरे पास तो सिरिंज वगैरह है नहीं, तो किस में रखा जाए? इसे मेरे ख्याल से किसी मटकी में, अच्छा मटकी देख के रखना चाहिए। तो मटकी पहले मैं चेक करता हूँ किसमें कौन सा मटकी सही रहेगा, और दिखाते हैं आप लोगों को। पहले मटकी चेक करते हैं। बेबी देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटा है, आज ही निकला है ऐसा लग रहा है, और वहीं पड़ा हुआ था मेरे ख्याल से, वहीं पर ही अंडे में से निकला हुआ है, वहाँ तक छिलके भी गिरे हुए हैं। और देखिए बहुत ही छोटा है, अब मैं चेक करता हूँ, ये चेक करके थोड़ा सा पता नहीं इसको हैंड फीडिंग कराएंगे कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, कोई सा भी मटकी में रख देता हूँ, पहले मटकी चेक कर लेता हूँ इसमें है कि नहीं। इसमें अभी छोटा है, इसमें बहुत सारे हैं, चार पांच है, इसमें रखने सही नहीं लग जाएगा। फिर दूसरा देखता हूँ, इसमें तो है ही है, इसमें रखूँगा तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत छोटा है, बहुत सारे हैं इसमें भी। और इसमें अभी अंडे हैं, अभी तक निकले नहीं, इसमें एक बेबी निकला है, सही नहीं है। ये रखूँगा तो इसमें शायद मार देंगे। इसमें दो चार है, दो बच्चे दो अंडे हैं, इसमें भी रखना सही नहीं है, बहुत बड़ा हो गया। इसमें खाली है, ये भी खाली है, इसमें एक बच्चा है और ये भी खाली है, ये इसमें भी खाली है, खाली है। कुछ बच्चे नीचे गिरे हैं, रखे हुए हैं, वो इस खाली मटकियों से नीचे। ये देखिए, ये भी दो चार दिन में निकल जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस में रखूँ, कोई भी छोटा बेबी वाला नहीं है, इसमें तो है, ये भी सही है, छोटे हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें रखना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसमें तो रहेगा ही नहीं। इसमें दो बेबी है लेकिन बड़ा हो गया, इसमें भी दो हैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है किस में रखूँ। को अच्छा सा मटकी देख के रखना पड़ेगा जिसमें एक बेबी हो, ऐसा वाला रखना पड़ेगा। इसमें भी चार बेबी हैं, चारों के चारों छोटे हैं, एक तो बहुत छोटा हो जाएगा मेरे हाथ में जो है, ये बहुत छोटा हो जाएगा इसके लिए, तो इसमें नहीं रखना है। कोई अच्छा सा चेक करके उसमें रखूँगा। इसमें देखिए ऑलरेडी इसकी आँखों में लग रहा है कुछ हुआ है, फाइट किया होगा, देखिए फाइट किया है, इसके आँख में कुछ हुआ है छोटे वाले का। तो चलिए दूसरे वाला मटकी में देखता हूँ, इसमें भी ये देखिए कुछ सही नहीं लग रहा मेरे को, खाली है, इसमें भी बच्चे बड़े हैं, इसमें अंडे हैं, ये बच्चे बड़े हैं, ये अंडे हैं, इसमें रखूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें भी छोटे छोटे हैं बच्चे, इसमें रखना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कोई अच्छा सा पेयर देख के रखूँगा, ये भी सही नहीं है, ये भी खाली खाली सारे खाली है, बेबी क्योंकि नीचे गिरे हैं, इसमें रखना थोड़ा सही रहेगा मेरे ख्याल से। क्या करूँ पता नहीं, ये खिलाएगी कि नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो रख देता हूँ, खिलाएगा तो खिलाएगा, नहीं खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कोई इशू नहीं, अब भगवान के ऊपर है, जो भी है जो होगा भगवान देखेगा। अगर जिंदा रहेगा तो यहीं, और मरेगा तो भी यहीं, तो मरने का तो चांसेस है नहीं। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक्टिव है, ये खिला पिला देंगे इनको, तो इसको बाद में हम चेक करेंगे कि इसको खिलाता है या नहीं, इसमें बाद में चेक करूँगा। अभी तो फिर सही है, इसमें तीन अंडे हैं, अभी ये भी तीन फटेल, थोड़ी देर बाद इसको चेक करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी मैं चलता हूँ इसको छोड़ के, बाद में चेक करते खिला रहा है या नहीं। ये जो बेबी है इसके नीचे था, यहाँ पे पड़ा हुआ, ये देखिए जो दिख रहा है यहाँ पे, वो लोग छोटा सा जो बेबी चल के आ रहे हैं, इससे थोड़ा आगे और थोड़ा आगे यहाँ पे था, ये जो लाल लाल नज़र आ रहा है,
यहाँ पर वो बच्चे थे और मैं इसके अंदर रख दिया। चेक करते हैं, देखता हूँ उसको खिला रहे हैं या नहीं अच्छी तरह। हाँ खिला रहे हैं, खिला रहा था, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या करेंगे, भगवान के ऊपर है, खिला तो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगा बारी बारी में, और वीडियो यहीं ख़त्म करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में बताइएगा कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।